हेलो गाइस एस के एलेवन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं तो आज की इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं जो आपको यहां पर के एच पी वर्सेज़ एन के बीच में यहां पर नेशनल टी ट्वेंटी कप का जो पहला सेमीफाइनल मैच आज आपको खेला जाता दिखेगा उसके बारे में गाइस मैं यहां पर बात करूँगा एकदम अच्छे से डिटेल में हम देखने वाले हैं दोनों टीम्स के सभी प्लेयर्स के मैं आपको इस टूर्नामेंट के स्टैट्स सिखाऊंगा किस प्लेयर ने कितने रन किए हैं किस प्लेयर ने कितने विकटें ली हैं सारा कुछ गाइज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा साथ में गाइज जो लास्ट मैच टूर्नामेंट का वो भी इन दोनों टीम्स के बीच में ही हुआ है तो हम वो भी देखेंगे तो चलिए इस वीडियो को मैं यहां पर स्टार्ट करता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो यहां पर ज्वाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है आप अपने टेलीग्राम में जाकर सिंपली सर्च करेंगे एसके एलेवन एक्सपर्ट कैपिटल लेटर में तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको इसको गाइज ज्वाइन कर लेना है ठीक है फाइनल टीम अपडेट आपको हर मैच की यहीं पर मिलती है और इस मैच की भी फाइनल टीम अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी और यहाँ पर गाइज मैं आपको मैक्सिमम मैचेस की टीम्स देता हूँ आज भी मैंने टी मैच की आपको ग्रैंडली की टीम्स दी कल मैंने आईपीएल की मैच की गाइज आपको दस ग्रैंडली की टीम्स दी थी ठीक है साथ में यहाँ पर मैं बैटिंग की भी प्रोडिक्शन देता हूँ ठीक है तो बहुत कुछ आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर है यहाँ पर जुड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर जरूर ज्वाइन कर ले अगर आपको इस मैच की भी मेरी फाइनल टीम देखनी है तो वो आपको यहीं पर मिलेगी ठीक है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप उस पर सिंपली क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा ठीक है तो आपके ऊपर है आपको जैसे ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन ज्वाइन जरूर करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ठीक है उसके अलावा गाइज बैटिंग एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कमाल की बैटिंग एप्लीकेशन है मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ वन विन एप्लीकेशन नाम है उसका बहुत कमाल की बैटिंग एप्लीकेशन है कल भी आई के मैच में जो मैंने आपको सेम बैट की प्रिडिक्शन दी थी यहाँ पर जो कि यहाँ पर केकीआर की थी मेरी प्रिडिक्शन कल ठीक है लाइव मैच देखकर मैंने आपको दी थी ठीक है और टोटल मैंने कितना इन्वेस्ट किया था टोटल मैंने किया था यहाँ पर गाइज इन्वेस्ट फिफ्टी ठीक है आप प्रूफ भी देख सकते हैं थर्टी का यहाँ पर बैट था और ये ट्वेंटी का था और टोटल मेरी विनिंग कितनी हुई सेवेंटी थाउजेंड ठीक है देख सकते हैं फोर्टी 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 वन थाउजेंड यहाँ पर और ट्वेंटी एट थाउजेंड यहाँ पर तो गाइज टोटल कल मुझे बीस हज़ार का प्रॉफिट हुआ आप देख ही सकते हैं ऑलरेडी गाइज मैं यहाँ पर वन बिन एप्लीकेशन से वन पॉइंट एट जीरो लैक्स जीत चुका हूँ मात्र दो वीक्स में दो लाख जीतने से मैं बहुत करीब हूँ ठीक है तो बहुत कमाल की गाइज मैं यहाँ पर विनिंग कर रहा हूँ मेरी ये एप्लीकेशन लाइफ चेंज कर रही है आपकी भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक खेलना स्टार्ट नहीं किया वन बिन पर तो आप खेल सकते हैं गाइज़ बहुत कमाल की एप्लीकेशन है आपको इंस्टेंट बिथड्रॉल भी दे देती है मैंने बिथड्रॉल प्रूफ वाली भी वीडियो बनाई है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाकर ताकि आपको भरोसा हो जाएगा कि ये ऐप यहाँ पर विड्रॉल देती है या फिर नहीं ठीक है तो वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा जो कि मैंने इस ऐप के रिलेटेड बनाई है उसमें आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है उसमें गाइज मैंने आपको हंड्रेड विनिंग टिप्स भी दी है ठीक है साथ में ये भी बताया कि आपको इसमें बैट कैसे लगाना है कैसे आपको यहाँ पर लाइव मैचेस में बैटिंग करके अच्छा यहाँ पर पैसा जीतना है उसके अलावा अग्ज़ कैसे डिपोजिट करना है कितना डिपोजिट करना है विड्रॉल कैसे करना है सारा कुछ गाइज मैंने उस वीडियो में बताया है तो वो वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा वो वीडियो ऑलरेडी चैन पर अपलोड है ठीक है तो वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा आप सब कुछ जान जाएंगे वन विन के बारे में कि आपको कैसे खेलना है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सारा कुछ आप जान जाएंगे ठीक है तो वो वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा बस एक बात का ध्यान रखिएगा उस वीडियो में मैंने एक बात बताना मैं भूल गया था कि जब यहाँ पर आप साइन अप करिएगा तब तो कोड यूज करिएगा ही एस एक्सपर्ट उसके अलावा आप डिपोजिट भी जब करिएगा तब भी आपको यहाँ पर हमारा प्रोमो कोड एस एक्सपर्ट यूज करना है ठीक है जब जब आप कोड यूज कर डिपोजिट करेंगे आपको बोनस मिलेगा ठीक है तो ये बात का ध्यान ध्यान वैसे वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा आपको सारा कुछ इस एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ जाएगा अब चलिए गाइस हम मैच के बारे में बात करें यहाँ पर गाइस पहले पॉइंट्स टेबल पर लेके चलता हूँ यहाँ पर केपी की टीम यानी कि खाइबर पख्तून की टीम पहले नंबर पर है दस में से छः मैच जीतकर ठीक है उसके अलावा नॉर्दर्न की टीम भी 10 में से 6 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है ठीक है तो दोनों टीम का परफॉर्मेंस सेम ही रहा है लेकिन गाई जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है इनका लास्ट मैच लास्ट मैच कल ही हुआ है दोनों टीम्स के बीच में उसमें क्या हुआ चलिए वो देख लेते हैं तो पहले यहाँ पर खैबर पख्तून के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो इनकी इनका ये बैटिंग का आप स्टैट्स देख सकते हैं इनके लिए फरहान ने अठारह रन किए इसरुल्ला ने जीरो कामरान गुलम ने एक मोहम्मद हैरिस विकेट ने तेरह नबी गुल ने एक और इफ्तार अहमद कैप्टन ने फिफ्टी ठीक है ये इनका लास्ट मैच का यहां पर स्टैट्स है और ये बॉलिंग का स्टैट्स देख लीजिए इमरान खान दो विकेट अरसद इकबाल एक विकेट मोहम्मद इमरान एक विकेट इफ्तार अहमद एक विकेट आसिफ अफरीदी दो विकेट और खालिद उस्मान दो विकेट ठीक है तो ये केपी टीम का गाइस बैटिंग बॉलिंग का स्टैट्स है लास्ट मैच में ठीक है जो कि हुआ है नार्दन के साथ ही आप नार्दन का एक बार देख लीजिए नॉर्दन का भी देख लीजिए कल का मैच का ही ये ये है नासिर नवाज़ ने जीरो किए उन्नीस किए अली इमरान ने ठीक है जिसन मलिक ने किए ग्यारह उमर अमीन तेईस रोहल नजीर बहुत अच्छे प्लेयर थर्टी फोर मुबासिर खान दो ठीक है आमिर जमाल तीन नौमन अली तीन और अक्यूब लियाकत ग्यारह ठीक है बॉलिंग का स्टैट्स देखेंगे इमरान खान दो विकेट सॉरी गाइज ये सेम टीम का ही मैं गलती से आ गया मैं आपको करेक्ट करके दिखा देता हूँ बॉलिंग का स्टैट्स यहाँ पर नौ ये है गाइज सिंपली आप देख लीजिए नौमान अली ने चार ओवर में 19 रन देकर कोई विकेट नहीं अथर्ड महमूद चार ओवर में पचपन रन देकर एक विकेट मोहम्मद मूसा चार ओवर में इकतालीस अमित जमल चार में चौवालीस और एक्ूब लियाकत चार में चौवीस देकर दो विकेट ठीक है तो यही परफॉर्मेंस है नौदा टीम का बॉलिंग का टोटल अगर आप गाइज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर खाइबर की टीम बहुत ईजिली जीत गई थी ठीक है लास्ट मैच अब देखना होगा इस मैच में क्या होता है ठीक है ठीक है फिर भी आप थोड़ा सा फेवर खाइबर को ही करिएगा अब चलिए इस मैं आपको टूर्नामेंट के सभी प्लेयर्स के दोनों टीम्स के स्टैट्स दिखा देता हूँ ये पहले के टीम के देख सकते हैं खाइबर पख्तुआना के ये बैटिंग का स्टैट्स है हर मैच का आपको स्टैट्स मिल जाएगा जो प्लेयर ने दस मैच खेले है कोई चार खेला है दो खेला है सब कुछ मिल जाएगा इसमें और ये बॉलिंग का है अगर देखेंगे आप के की टीम के तरफ से इनके लिए जो सबसे ज़्यादा रन किए हैं वो यहाँ पर इफ्तिका रहमद है दस मैच में तीन सौ उन्नीस और फरहान ने किए दस मैच में तीन सौ अड़सठ ठीक है तो ये दोनों बैटिंग में अच्छा खेले हैं और बॉलिंग में अगर आप देखेंगे कामरान गुलम दो ही मैच खेले लेकिन एक सौ छप्पन रन बनाए ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा और बॉलिंग का अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आसिफ अफरीदी के नाम 10 मैच में 12 विकेट है और इमरान खान के नाम 10 मैच में 15 विकेट है ठीक है यही दोनों बॉलर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अरसद इकबाल ने 10 में नौ विकेटें ली हैं ठीक है तो ये सब आप देख लीजिएगा अब चलिए गाइस हम दूसरी टीम का स्टैट्स देख लेते हैं ये नॉर्दर्न टीम का आप देख सकते हैं सभी प्लेयर्स का फुल स्टैट्स प्लस इन्फो ये बैटिंग का है और ये बॉलिंग का है इसमें भी आपको सभी प्लेयर्स के स्टैट्स मिल जाएंगे किस प्लेयर ने कितने मैचेस खेले सारा कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा इस टीम के लिए अगर आप देखेंगे गाइस तो यहाँ पर किसी प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हैदर अली नहीं खेलेंगे नवाज नहीं खेलेंगे ठीक है ये दोनों प्लेयर तो खेलने ही नहीं वाले हैं एक गाइज मुझे अली इमरान का स्टार्स बैटिंग में अच्छा लग रहा है पाँच मैच में एक सौ संतावन रन ठीक है उसके अलावा रोहल नजीर बहुत टैलेंटेड है दस मैच में सतासी ये अच्छे प्लेयर हैं इनका आप ध्यान रखिएगा और जीसन मलिक भी ठीक है चार मैच में चौरानवे इनके नाम पर है आमिर जमल ऑलराउंडर है हैं तीन मैच में तैंतालीस नासिर नवाज ओपन कर रहे हैं आठ मैच में एक कुछ खास नहीं कर पाए हैं बॉलिंग में देखेंगे नोमन अली तीन मैच में एक विकेट मात्र उसके अलावा गाइज देखेंगे तो यहाँ पर हारी श्रॉफ तो अवेलेबल नहीं है नवाज़ भी नहीं है सदाब खान भी नहीं है सलमान इर्सद चार मैच में पाँच विकेट हैं आमिर जमल है तीन मैच में चार विकेट और मोहम्मद मुशा है पाँच मैच में छः विकेट और आक्यूब लियाकत है एक मैच में दो विकेट ठीक है और आक्यूब लियाकत ने कहा हमने देखा था वो बैटिंग भी कर सकते हैं बैटिंग उतना नहीं करेंगे लेकिन फिर भी गाइज़ कुछ बैटिंग यहाँ पर वो कर सकते हैं ठीक है तो उनका आप ये बात का ध्यान रखिएगा आमिर जमल सॉरी गाइज़ यहाँ पर उनका ये, बा, ये बात का गाइस ध्यान रखिएगा ठीक है अब चलिए गाइस हम यहाँ पर अपनी टीम डिस्कस करेंगे ये सारा कुछ मैंने स्टैट्स तो बता दिया आपको जितना आपको जानना जरूरी था अब चलिए हम फटाफट से टीम डिस्कस कर लेते हैं गाइज अभी मैं आपको जैसे टीम डिस्कस करूंगा तो मैं आपको अपनी भी पिक्स बताते जाऊंगा और जो मैं अभी टीम टीम बनाऊंगा वो स्मॉल डी के लिए रहेगी ठीक है ग्रैंड ग्रैंडली की टीम्स आपको खुद से बनानी है मैं आपको ग्रैंड ग्रैंडली की पिक्स बताऊंगा आप उसे फॉलो करके ग्रैंड ग्रैंडली की टीम्स बना सकते हैं मैं टिप्स भी दूंगा उसे भी आप फॉलो करके बहुत अच्छी ग्रैंड ग्रैंडली की टीम्स बना सकते हैं ठीक है तो ये बात का ध्यान रखिएगा और एक और बात गाइज आप प्लीज़ मेरी टीम कॉपी पेस्ट करने की ट्राई ना करें आप खुद से टीम करने की ट्राई करें मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग हारते हैं और काफ़ी लोग गाइज यहाँ पर गलत भी बोलते हैं कि टीम नहीं चली तो गाइज प्लीज आप मेरी टीम पर ना जाएं जो मैं आपको यहाँ पर स्टैट्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं प्लीज उसे फॉलो करके आप खुद से भी टीम बना सकते हैं मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी टीम के साथ जाएं और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी टीम के साथ खेलें आप प्लीज़ खुद के टीम के साथ खेलें वो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है फिर बाद में मुझे आप कुछ मत बोलिएगा आप खुद से खेलिए आपका पैसा है तो आप खुद से टीम करने की ट्राई करिए ठीक है अगर आपको मुझ पर भरोसा है देन आप मेरी टीम के साथ जा सकते हैं वरना आप खुद से भी टीम कर सकते हैं ठीक है मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूं आप पहले विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं जहां पर रोहल नज़ीर और एम हैरिस खेलेंगे नो डाउट बहुत टैलेंटेड है रोहल नज़ीर हम उनको ही ट्राई करेंगे अगर ये ओपन और वन डाउन आते हैं देन मेरे हिसाब से और भी अच्छा कर सकते हैं ठीक है लेकिन काफ़ी नीचे आ रहे हैं अभी तो टीम के कैप्टन भी हैं नॉर्दन के तो मेरे हिसाब से इनको प्रमोट करना चाहिए प्लेयर में बहुत टैलेंट है पाकिस्तान अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन थे दो में वहाँ पर भी अच्छी कप्तानी की थी बहुत अच्छे प्लेयर हैं गाइज़ तो मैं इनको ही आपको रिकमेंड करूँगा ट्राई करें ठीक है स्मॉल स्मॉल्डिंग में भी और ग्रैंडिंग में भी यहाँ पर आप डेफिनेटली नज़ीर को ले सकते हैं

तो में भी आप इनको ग्रैंड लीग में ही ट्राई करेगा स्मॉल लीग में मैं ट्राई करने को बिल्कुल नहीं कहूंगा उसके अलावा गाइस अगर नीचे आएंगे तो कुछ खास ऑप्शन नहीं है मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा नीचे से ठीक है आपको अगर तीसरा बैटर लेना है यहाँ पर तो जीसन मलिक और उमर अमीन में से आप किसी एक को स्मॉल लीग में ले लें मेरी प्रेफरेंस जीसन मलिक है जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है पी खेलने का भी मैं उनके साथ जा रहा हूँ वैसे उमर अमीन भी काफ़ी एक्सपीरियंस है आप उनको भी ले सकते हैं लेकिन जीसन मलिक मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर खेल रहे हैं और थोड़े यंग प्लेयर भी हैं तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ वो वन डाउन आ रहा है ठीक है आप उमर अमीन भी ले सकते हैं ग्रैंड लीग में एक बैटर को आपको ट्राई करना है उसका नाम है रोल का उसके अलावा किसी को आपको नहीं देखना है ठीक है गाईज? तो यह बात का ध्यान रखिए और कोई प्लेयर तो यहां पर खेलने ही नहीं वाला है अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर जहां पर इफ्तिका अहमद इस मैच की नंबर वन पिक स्मॉल लीग के तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे सेफ सी, सी के ऑप्शन ठीक है और ग्रैंड लीग में भी इनको ही आपको ज्यादा टीम्स में करना है क्योंकि अभी इनका रोल बहुत बढ़ गया है चौथे नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं साथ में आगा ये ओवर भी डाल ले तीन से चार ओवर ठीक है पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं अभी इनको टी वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली जगह लेकिन फिर भी अच्छे प्लेयर हैं इनको एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के लिए खेलने का ठीक है तो इनको लेना ही है अब यहाँ पर देखिए कुछ खास ऑप्शन मुझे मिल नहीं रही है के घुलम इनका सिलेक्शन है गाइस ठीक है कामरान घुलम अगर आप देखेंगे इनको तो हमें लेना ही है गाइस क्यों लेना है मात्र दो मैच खेले हैं 160 रन बनाए हैं लास्ट मैच में 110 रन बना के गए बहुत कमाल का खेले गाइस इनको तो लेना ही पड़ेगा गाइस ये मस्ट पिक है बैटर ही हैं बॉलिंग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमें इनको लेना है बहुत अच्छा खेले दोनों मैच में बहुत इंप्रेस करके गए हैं गाइस तो इनको हमें लेना ही होगा इनके बिना हम नहीं जा सकते ठीक है तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा यंग प्लेयर हैं टैलेंटेड हैं अच्छा कर सकते हैं अच्छा किया भी है दो मैच में तो ये तो मस्ट पिक है नॉर्माली तीन मैच में मात्र एक विकेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है बैटिंग से बहुत कम उम्मीद रखिए पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में खेलते हैं आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा ठीक है ग्रैंड लीग में ऑलराउंडर सेक्शन में ये आपके लिए अच्छे पिक है जो कि विकटें ले सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैचेस में ये टेस्ट में खेलते हैं वहाँ पर ये विकटे निकालते हैं अच्छी खासी तो आप इनको ले सकते हैं स्मॉल लीग में मैं रिकमेंड करने को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तक तीन मैच में मात्र एक ही विकेट है ठीक है इसलिए मैं आपको स्मॉल लीग में प्रेफर करने को नहीं कहूँगा ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा ए जमल है एक ही मैच खेले हैं ठीक है दो मैच खेले सॉरी लेकिन इनका मुझे अच्छा लगा ये बैटिंग भी कर रहे हैं साथ में बॉलिंग भी कर रहे हैं ठीक है तो मैं इनको यहाँ पर इनको लेकर चलूंगा ठीक है इनको ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं तो मैं इनके साथ जाऊँगा ठीक है ये डिफरेंशियल पिक का मेरे हिसाब से काम करेंगे इस मैच में तो इनको तो मैं लेकर ही चलूँगा आप इनकी जगह चाहें तो किसी और प्लेयर को भी ले सकते हैं मैं आपको आगे ऑप्शन दूंगा बॉलिंग सेक्शन पर आते हैं जहाँ पर इमरान खान आसिफ अफरीदी ये दोनों प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों अपने टीम्स के लिए ठीक है इमरान खान है टॉप विकेट टेकर आसिफ अफरीदी है सेकेंड टॉप विकेट टेकर की एचपी टीम के तो ये दोनों के बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना इमरान खान बहुत एक्सपीरियंस है लेग स्पिनर बहुत कमाल के हैं बहुत ज्यादा विकटे लेते हैं सी में आपने इनको खेलते देखा होगा पीएसएल में देखा होगा बहुत कमाल के हैं ठीक है तो ये मस्ट पिक है आसिफ नए प्लेयर हैं लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ये दोनों मस्ट पिक है आप यहां पर अरसा इकबाल को ले सकते हैं अच्छे मीडियम फास्ट बॉलर हैं आपने इनको पीएसएल में भी देखा होगा यहां पर एवरेज परफॉर्मेंस है मैं यहां पर लूंगा नेक्स्ट मूसा खान को क्यों मूसा खान को लूंगा डेथ में आकर बॉलिंग कराते हैं अच्छे प्लेयर हैं ठीक है तो मैं बैक करूंगा गाइस ठीक है मूसा खान को मैं यहां पर लूंगा ठीक है ये डेथ में कराते हैं अच्छे स्लोअर बॉल डालते हैं पाकिस्तान टीम में भी आ चुके हैं उत, उतना मौका नहीं मिला लेकिन अच्छे बॉलर हैं ठीक है तो मैं इनको लूँगा तो ये तीनों तो गाइज़ आपको लेकर ही चलना है अब यहाँ पर अरसद इकबाल को ले सकते हैं इमरान खान को ले सकते हैं या फिर गाइज़ ए महमूद और ए लियाकत को ले सकते हैं महमूद को तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा ए लियाकत फिर भी ठीक है जो कि थोड़ी मोरी बैटिंग भी कर लेते हैं आपने देखा लास्ट मैच में वो रनस भी किए और पूरे चार ओवर डाले तो इनको आप ले सकते हैं ये आपके लिए बॉलिंग सेक्शन में नंबर वन लीग के पिक है ठीक है ए लिया तो इनका ध्यान रखिएगा स्मॉल लीग में भी डिफरेंशियल है लेकिन ग्रैंड लीग की नंबर वन चॉइस है ठीक है तो ध्यान रखिएगा इमरान खान है आपके लिए नंबर टू चॉइस बॉलिंग सेक्शन में ग्रैंड लीग के लिए अच्छे बॉलर ये भी हैं ठीक है इनको भी आप ट्राई करिएगा ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के नंबर टू ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन में से ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा अभी आपको सेफ जाना है सिंपली अरसद इकबाल ले सकते हैं जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है ठीक है या फिर आपको थोड़ा रिक्स लेना है मेरे साथ तो आप लियाकत के साथ जा रहे हैं जा सकते हैं मैं लियाकत के साथ जा रहा हूं ठीक है आपको अरसद इकबाल के साथ जाना है है, आप सिंपली उनके साथ भी जा सकते हैं मैं आपको बिल्कुल भी पर फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप लिया जाए तो खुद से आप चाहें तो यहाँ पर ए की जगह भी कर सकते हैं तो ये गाइज बनता है अभी के लिए मेरी इस मॉलिक टीम का प्रिव्यू इसमें अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन की बात करूं तो कैप्टनसी तो मैं आंख बंद करके इफ्तिकार अहमद को दे सकता हूं जो काम ये कर रहे हैं पूरे तीन से चार ओवर बॉलिंग साथ में बैटिंग और तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है और स्मॉल लीग में इनके अलावा तो हम किसी को कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनको मेरे हिसाब से 50 परसेंट से ऊपर लोग ही कैप्टन करके आएंगे ठीक है तो इनको ही कैप्टन करना वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन पर आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन ही ये गेम डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से मैं अगर ऑप्शन की बात करूं तो फरहान है जो कि बहुत अच्छा खेले हैं इस टूर्नामेंट में आप उनको कर सकते हैं ओपन करेंगे घुलम है दो ही मैच खेले हैं लेकिन इम्प्रेस इतना ज़्यादा करके गए हैं कि आप उनको भी कर सकते हैं ये दोनों तो बैटर में हो गए अब गाय मैं आपको बता देता हूं कुछ रिस्की वीसी के ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए कौन सी कौन सी है इमरान खान है ठीक है लेग स्पिनर हमेशा विकेट लेता है ये बात का ध्यान रखिए ठीक है थीक्या? ये लिए नंबर वन रिस्की इस मैच के वी के ऑप्शन है स्मॉल मॉल में कोई नहीं लाएगा बहुत कम लोग लाएंगे ठीक है आप लेकर जा सकते हैं अगर दो से तीन विकेट लेकर गए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो ये है ठीक है उसके अलावा गाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक मूषा खान है जो कि डेथ में बॉलिंग कराते हैं तो ये भी विकेटें ले सकते हैं ठीक है गाइज तो ये दोनों का ध्यान रखिएगा वैसे आप अली इमरान को भी ट्राई कर सकते हैं वो भी अच्छा खेले हैं लेकिन मैं उतना प्रेफर नहीं करूँगा सेफ जाना फरहान घूलम में से किसी एक को वीसी करिए थोड़ा रिक्स लेना आपके ऊपर है आपको किसे करना मेरे वाइस कैप्टन अभी के लिए इमरान खान है ठीक है यहां पर आप कर सकते अपने हैं अपने हिसाब से फरहान और घूलम सेफ है ठीक है और अगर बाई चांस मुझे पता चलता है कि रोहन नजीर ओपन कर रहे हैं तो यह भी बहुत अच्छी है ठीक है गाइस वी की ऑप्शन अगर रोहल नजीर ओपन कर गए तो ये भी बहुत अच्छे वी के ऑप्शन देंगे ठीक है ठीके? ये बात का ध्यान रखिएगा अब गाइस मैं आपको ग्रैंडिक किसी वी के ऑप्शन बता देता हूँ तो ग्रैंडिक में भी इमरान खान है आसिफ अफरीदी है मुशा खान है ठीक है ये तीन प्लेयर हैं और यहाँ पर रोहिल नजीरा ठीक है थीके? ये चार प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में सी, सी करना है ठीक है ये बात का ध्यान रखिएगा और ग्रैंड लीग की पिक्स तो मैंने आपको गाइज बता ही दी है बहुत कमाल कमाल की उन पर आप ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से गाइज अगर मैं ग्रैंड लीग की पिक्स पर चलता हूँ तो विकेट कीपर है मैंने आपको कुछ नहीं बताया था बैटर में अगर आते हैं बैटर में एक ही ग्रैंडी की पिक है इसरुल्ला ऑलराउंडर सेक्शन में एक ग्रैंडी की पिक है नोमन अली और बॉलिंग सेक्शन में ग्रैंड लीग की पिक्स कौन सी है इमरान खान और यहाँ पर लियाकत बस चार ही आपके लिए ग्रैंड लीग की पिक्स हैं इस मैच में इन चारों प्लेयर्स को आप कुछ ही टीम्स में ट्राई करिएगा ज्यादा मैं आपको ट्राई करने को नहीं कहूंगा ठीक है इसर ओपन है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं नॉमन अली इंटरनेशनल बॉलर है तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं इमरान खान और लियाकत को को पर लियाकत को तो हम स्मॉल की टीम में भी ले रहे हैं तो इनको तो आप लीजिएगा ही ज्यादा टीम्स में इमरान खान को भी कम ही टीम्स में ट्राई करना ठीक है तो ये आपके लिए चार जो है ये ग्रैंड ग्रैंडिक के पिक्स है इस मैच में ठीक है तो इसका ध्यान रखिएगा और स्मॉल की टीम का एक बार मैं आपको प्रिव्यू फिर से दिखा दूँ ये गाइज आप यहां पर स्मॉल डिग टीम का प्रिव्यू सकते हैं आपको जो चेंजेस करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सारा कुछ मैंने आपको बता दिया आपको क्या चेंजेस करना है आप सिंपली वाइस कैप्टन अपना चेंज कर सकते हैं आपको सेफ जाना है तो फरहन घोलम ठीक है इन दोनों को कर सकते हैं ठीक है और ग्रैंडी की भी मैंने आपको सी के ऑप्शन बता दी है इमरान खान आसिफ अफरीदी मूसा खान रोहन नजी ठीक है तो ये सब का ध्यान रखिएगा इस ठीक है ये गाइस अभी के लिए टीम का प्रीव्यू है इसमें हंड्रेड परसेंट चेंजेस होगी जो आपको फाइनल टीम अपडेट मिलेगी वो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी तो वहाँ पर ज्वाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप उस पर सिंपली क्लिक कर कर ज्वाइन कर सकते हैं गाइज ठीक है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा फाइनल टीम अपडेट आपको मेरी देखनी है तो ठीक है और कोई चेंजेस भी होते हैं तो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइनअप आने के बाद टीम अपडेट तो उससे बिल्कुल भी आप मत करिएगा ठीक है और भी आज बहुत सारे मैचेस हैं वार्म अप मैचेस है चार पांच चार मैचेस है वार्म अप तो मैं ट्राई करूंगा दो मैचेस की वीडियोस कम से कम बनाने की या आपके ऊपर है आप इस वीडियो में जितना अच्छा सपोर्ट करते हैं उतना ज्यादा मैचेस की आपको वीडियोज मिलेगी वरना मैं फिर आपको टीम दे दूंगा सिंपली टेलीग्राम पर और छोड़ दूंगा ठीक है तो अगर आपको मैक्सिमम मैचेस की वीडियोज चाहिए तो आपको गाइज सपोर्ट करना होगा तो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज प्लीज लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर सकते हैं और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मैक्सिमम मैचेस की वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा इस ठीक है तो आपका कॉमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप प्लीज कॉमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें ठीक है गाइज तो जरूर करिएगा आशा करूंगा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे वैसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए मैं हमेशा आपके लिए हंड्रेड ट देने की ट्राई करता रहूँगा ठीक है तो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में